वैष्णो माता के जागरण में उपस्थित काशिप नगर के हमारे चेयरमैन प्रीतम जी, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष अयोध्या गुप्ता जी, डॉक्टर कपूर साहब, हमारे डीएसपी प्रणव जी, अश्विनी शर्मा जी, यहाँ के हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता, वेदू जी जो हमारे इसी विसिनिटी से हैं, रवि जी, बाकी राजू जी, रक्षी जी, बाकी सभी प्रमुख और इस जागरण के पूरी कमेटी के सदस्य और इस जागरण को करवाने में जिनकी प्रमुख भूमिका रहती है, हमारे गुप्ता जी जो इस जागरण के एंकर हैं। इस जागरण में उपस्थित मेरी मातृशक्ति, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, इस मोहल्ले से पहले दिन से जिस दिन मुझे सीट अनाउंस हुई थी, मेरा एक बहु जुड़ाव रहा है और आप सबसे आशीर्वाद लेने के बाद ही मैंने अपनी इलेक्शन की जो कन्वेंशन थी वो स्टार्ट की थी। आप सबके लोगों के आशीर्वाद से, एक बहुत बड़े अंतर से जो जम्मू कश्मीर में एक इतिहास है वो जीत दर्ज की थी, जिसमें आप लोगों की प्रमुख भूमिका थी। एक सेवक बनकर 6 वर्ष तक लोगों की सेवा करने का एक लक्ष्य, एक शपथ जो हम सब ने ली थी और लगातार से प्रधानमंत्री जी के कार्य को लेकर और यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर हम सब काम कर रहे हैं। मेरी कोशिश थी कि एक अगली बार का जो पिछली बार जब मैं आया था तो मेरे मन में था कि अगली बार आप लोगों का जगराता आपके कम्युनिटी हॉल में हो, वो हो नहीं सका, लेकिन आज आप सबको मैं कम्युनिटी हॉल के लिए 14,60,760 रुपए में दे रहा हूँ। इस काशिप नगर कॉलोनी में कोई कम्युनिटी अपना सेंटर नहीं है, छोटे मोटे उठानों के लिए, दसवों के लिए, माता के जागरणों के लिए कोई छोटे मोटे फंक्शन होंगे, किसी के घर में कोई छोटा फंक्शन हो जाता है, किसी की छोटे परिवार में शादी होती है, एक जगह नहीं थी। इससे आप लोग अपना हॉल निर्मित कीजिए, जरूरत होगी तो अगले साल कुछ और भी देंगे, एक भव्य हाल की तरफ आप लोग बढ़िए। और मेरी आपको प्रार्थना है, माता जी भी, वैष्णो माता वहाँ खुश रहती है जहाँ सफाई होती है, स्वच्छता होती है, और देश के प्रधानमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि 2019 तक इस प्रदेश को, इस देश को स्वच्छ बनाना है। जहाँ स्वच्छता होगी वहां स्वस्थ ठीक रहेगा, जहां स्वस्थ ठीक रहेगा वहां समृद्धि होगी, माता का निवास होगा, माता का वास होगा। जिन्होंने इस मोहल्ले में एक कम्युनिटी हॉल बनवा रहे हैं, जिन्होंने हमें 14 लाख रुपया दिया है, 15 लाख रुपए दिए, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। आज यहाँ पे काशिप नगर में एक जगराता है और लगातार से मैं पिछले 3 वर्षों से, जब से मैं विधायक बना हूँ, यहाँ पर लोगों के बीच में आना होता है, माता का कीर्तन सुनने के साथ साथ और यहाँ की डेवलपमेंट को लेकर भी, और ख़ासतौर पे इस विसिनिटी में काशिप नगर में हमारे पास कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं था। आज लगभग 15 लाख रुपये का जो हॉल है उसके निर्मित करने के लिए मैंने अपने CDM में से पैसा दिया है, और मैं चाहता हूँ कि अगली बार की माता का जो जागरण होगा, हम सब और ख़ासतौर पे जरूरत रहती है दुख सुख के कार्यक्रमों में, कहीं ना कहीं कम्युनिटी सेंटर्स की जरूरत रहती है। हर जगह पर अपने मोहल्लों में भी कम्युनिटी सेंटर हैं, लेकिन काशिप नगर छोटी बस्ती होने के साथ साथ शहर के बिल्कुल साथ सटता है, लेकिन यहाँ पर कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं था। हमारे चेयरमैन साहब ने और यहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने ये इच्छा जताई थी कि यहाँ पर अगर कम्युनिटी सेंटर बन जाता है तो अपने CDF से मैंने दिया है, और भी अगर ज़रूरत होगी जहाँ भी डेवलपमेंट के कार्यों को लेकर या किसी भी तरीके के कार्यों को लेकर अगर इनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं सबके साथ खड़ा हूँ। और आज ख़ासतौर पर नवरात्रों के
शुभ अवसर पर इन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। माता वैष्णो जो है इनके मनोरथ को, जो इनकी मनोकामना है, उसको पूरी करेंगे।